तो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगल रहने के पांच मस्त बेनिफिट और इसके एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंगल हो तो उसके पांच एडवांटेज क्या हो सकते हैं। और मैं उन लोगों को टारगेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जिनकी शादी हो गई। अब ये मत सोचना कि नहीं हम डबल हैं तो पहले सिंगल हों फिर ये करें। जो बैचलर हैं और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके लिए पाँच मैं सिंगल रहने के बेस्ट बेनिफिट बताता हूँ, जिसमें पहला है टेंशन फ्री लाइफ। देखो, जब आप सिंगल होते हो ना तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। नहीं तो वैसे बहुत बाबू सोना मोना टोना लगा रहता है, ये दिलाओ वो करो, मतलब वो यार कहीं दूसरों दूसरा उसको कोई हैंडल ना कर ले, वो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा उसमें पैचअप वाला सीन होता है। तो हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो। फिलहाल में इस चीज़ से तो आप टेंशन फ्री होगे ही और मस्त घूमोगे आप। नंबर दो की अगर मैं बात करूं, नींद बहुत मस्त आएगी। मतलब जब आप टेंशन फ्री होते हो उसके बाद आपको तो वैसे भी नींद आती है, और जब ये सब काम नहीं होंगे आपके पास ना तो आपको नींद भी बहुत मस्त आती है। अब रात में 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक आप ये नहीं कहोगे वो बाबू ने कुछ खाया नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, तो आप 1-2-3 बजे तक बातें भी नहीं करोगे और टेंशन फ्री होगी तो आपको नींद बहुत मस्त आएगी। 10-11 बजे सोओगे, आराम से 8-9 बजे उठोगे। अभी बात करते हैं अपन तीसरे फैक्ट की, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। खर्चे बहुत कम होंगे। अगर आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार की भी जॉब कर रहे हो, आपके लिए इनिशियल करियर के लिए वो आपको बहुत मस्त है, उतने में ही काम चल जाएगा। और जब आप डबल हो जाते हो तो आप 30-40-50-60 हज़ार 70 हज़ार भी कमाओगे, तो उस टाइम भी लगेगा कि नहीं वो कम है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब तक आपकी शादी नहीं होती, जिनकी हो गई है प्लीज़ वो वीडियो को इग्नोर कर दें। तो दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्ट है, खर्चे आपके बहुत कम होंगे। आपको आईफोन भी नहीं दिलाना पड़ेगा, बुलेट भी नहीं लेनी पड़ेगी, और एक फोर व्हीलर गाड़ी में भी नहीं घुमाना पड़ेगा। जो भी है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है आप करियर पर इन्वेस्ट करो, हो सकता है आप अपने लिए कुछ खरीदो, हो सकता है अपने लिए भी करो। कई कई लोगों को मैंने देखा है, कई बार खुद सैमसंग का, माइक्रोमैक्स का, एमआई का, ओप्पो वीवो फ़ोन चला रहे होते हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को हो सकता है वो एप्पल दिला रहे हो 1 लाख का 1.5 लाख का, वो भी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी, जिस पर 18-20% इंटरेस्ट दे के उसको भरते रहते हैं सालों। तो वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है जो कि आपका नहीं होगा। और एक पॉइंट और बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी। मतलब कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका टाइम सेव होगा। अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हो, अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, इसके बाद पूरा टाइम आपका है और आपके पास जीएफ है, वीएफ होता है। तो क्या होता है कि आप 8 घंटे जॉब करते हो, 8 घंटे आप पढ़ाई करते हो, फिर 2-4 घंटे उनको देते हो, आधे घंटे घर वालों को देते हो, फिर कुछ अपना काम करते हो, उसी में पूरे दिन खिचड़ी पकती रहती है और आपके 24 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। अपने को सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, अपना फ्यूचर कैसे बनाना, अपना करियर कैसे आगे बढ़ाना, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। फिर हम सिर्फ एक्सक्यूज़ देते हैं बाहर वालों की, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है। अबे टाइम है कैसे नहीं मेरे भाई, 2 घंटे जो गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को दे रहे हो वही तुम्हारा टाइम है, उसी को यूटिलाइज करो ना। 8 घंटे के बाद तुम्हारे पास टोटल बचा कितना, टोटल काउंट कर लो यार, इतने घंटे हैं उसमें क्या करते हो, 10 घंटे 12 घंटे सोने के, खाने के, पीने के, नहाने के सब निकाल दो, तब भी तुम्हारे पास कम से कम 6 घंटे बचे। अब 6 घंटे में 3 घंटे तुम गर्लफ्रेंड को दे दो, 2 घंटे दोस्तों को दे दो, बचा 1 घंटे, 1 घंटे में क्या ही उखाड़ लोगे। तो टाइम इज़ मनी, टाइम बर्बाद नहीं होगा, सबसे बड़ी बात आपकी ये हो जाएगी उसमें। और सबसे मोस्ट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अपने करियर पर फोकस होगा। देखो, जब ये 4 पॉइंट आपके पास नहीं होंगे ना, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, टेंशन फ्री होगे और एक अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जब एक अच्छी नींद होने का मतलब क्या कि जब भी आप कभी जागो तो आपका बॉडी एकदम एक्टिव होना चाहिए, एक फ्रेशनेस होना चाहिए, जिससे आपके अपने करियर में फोकस कर पाओगे, आपकी ग्रोथ होगी, आप अच्छा सोच पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या पढ़ाई कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो। तो बहुत सारी कैटेगरीज उसमें होती हैं जिससे आप करियर पे फोकस कर पाओगे। अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है, और बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप कैसे भी जी सकते हो, बट ये 5 ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप फॉलो करके आप चाहो तो करोड़पति भी बन सकते हो। अगर 5 इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो करोड़पति से भी आप रोड़पति बन सकते हो, करोड़पति होने के बावजूद भी आप रोड पे आ सकते हो।
तो बस यही एक मेरा छोटा सा सजेशन था। मैं कहीं देख रहा था, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना चाहिए, इस वजह से मैंने वीडियो बना दिया। तो बस मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।